हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये है करवे वाले दिन का ही सेकंड पार्ट। एक ज़्यादा लंबा हो जाता तो मैंने इसलिए दो छोटे छोटे बना दिए थे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो कोई देखता नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप लाइक करना भूल जाते हैं, और कमेंट करके बताना कैसा लगा। और जो चैनल पर न्यू आते हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो चलो करते हैं स्टार्ट। और समस्त परिवार को सिद्ध दे, अंतरिक्ष में अंत में मोक्ष दे। जब मुझे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए दिल्ली से विधानी चतुर्थी का वर्ष करना आरंभ कर दिया, और श्रद्धा सबका आदर करते हुए सबका आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार कहानी वानी सुन ली थी, फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, सूट डाल लिया था जो सुबह पहना हुआ था, और अब थोड़ा सा काम करूँगी, खाने वाने की तैयारी करूँगी, और ये कपड़े भी एक तरफ को रखूँगी, फिर शाम को दोबारा पहन लूँगी जब वो करेंगे, चांद आएगा अर्घ देंगे। तो अभी कर लेते हैं थोड़ा सा काम, फिर उसके बाद मिलेंगे आपसे। अभी मैं किचन में, और किचन फैला पड़ा है। दिन में मम्मी का और भैया का खाना दिया था, और चाय वाय बनाई थी। चाची और जब कहानी सुनने आए थे तब, तो सारा ऐसे ही पड़ा है। अब सारे बर्तन इकट्ठे करके और फिर साफ करूँगी। और ये प्रसाद है, मम्मी कहाँ से लाई पता नहीं, मम्मी नीचे से दिया। प्रसाद है, मिठाई है और केला है। और ये दूध का भगोना खाली हो गया, नींद भी आ रही है मुझे, तो नींद भी आ रही है। शाम होते होते थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो जाती है, और सर में भी दर्द हो गया है, लेकिन काम तो करना है, खाने की भी तैयारी करनी है, और जो ये अपना रोज का काम होता है तो सारा करना ही होता है। और सर में दर्द हो गया, पता नहीं अभी तक तो ठीक था, थोड़ी देर पहले ही हो गया, क्या हुआ एकदम से, और बहुत से दर्द हो रहा, दवाई भी नहीं ले सकते, और फिर सारा ध्यान सर पे ही, मतलब जहाँ दर्द हो जाता है वहीं रहता है। तो अभी हो रहा सर में दर्द, और कर लेते हैं काम। तो मेरा बेटा कह रहा है मम्मी बैठ जाओ, काम ना करो। मैंने कहा तो कौन करेगा, तू कर देगा खाने की तैयारी और सारा काम। कह रहा कि मैगी बना के खा लेंगे। मैंने कहा रात को व्रत खोलूँगी तब मैगी ही दे देना मेरे को, और फिर मेरा कल भी व्रत रहेगा। कह रहा और क्या, ऐसा है मेरा बेटा। तो अभी कर लेते हैं अपना काम, निपटाते हैं भाई, फिर उसके बाद मिलेंगे। और गोभी ले रखी है मम्मी ने सब्जी के लिए, तो आलू गोभी बनाऊंगी मैं। आलू गोभी हो सकता है पूड़ी बना लूँ या रोटी, जो भी ये कहेंगे। रायता कहेगा तो रायता बना लूँगी। दही भी जमाई थी मैंने, वो रखी हुई है। तो सब्जी काट लें, बर्तन साफ कर लें, उसके बाद मिलेंगे आपसे। तो मैंने रायता बना के रख दिया है, थोड़ा ही बनाया है कि दो तीन कटोरी हो जाए हमारा, और मिठाई रखी है, अभी नहीं मंगवाई, रखी हुई थी। और सब्जी वब्जी भी बन गई है मेरी, दिखाती हूँ। अंधेरा हो रहा है, रुको लाइट जलाऊँ। मैंने लाइट बंद कर दी थी इधर की। इसमें तो मैंने मलाई गरम की है, भगोना भर गया था मलाई का, तो मलाई गरम कर दी है। और ये आलू गोभी की सब्जी बनाई है मैंने,
आटा भी लगा लिया है और एक्स्ट्रा के जो बर्तन थे वो भी सब साफ़ कर दिया है। मैं शाम की पूजा कर देती हूँ और फिर कपड़े चेंज करूँ, कुछ और पहनूँगी। तो यहाँ पे फिर मम्मी का और संजीव का मैंने खाना बना दिया था उनके लिए, पूड़ियाँ तो उन्होंने खा ली थी। और फिर मैं आ गई थी ऊपर, तो मैंने साड़ी वाड़ी की तय करके रखी थी जो दिन में डाली हुई थी, और अभी डालूँगी दूसरे कपड़े, तो वही कर रही थी। और यहाँ टाइम हो गया था 8 बजे का, तो यहाँ पे मैं हो गई थी तैयार और मैंने ये डाला था, फिर रेड कलर की ही ड्रेस डाल ली थी दोबारा से। तो आप बताना कैसी लग रही है। और अभी दे आते हैं हम चांद को रख, चांद आ चुका है तो अभी चांद को रख दे आते हैं, क्योंकि आज बादल नहीं थे तो जल्दी से ही दिख गया था चांद। तो यहाँ पे आ गई थी मैं छत पे चांद को रख देने के लिए, तो यहाँ पे दे देते हैं चांद को रख और फिर उसके बाद अपना खोलेंगे व्रत। तो सभी अपनी छतों पे आ रखे थे इस टाइम पे, सभी की छतों पे दिख रहे थे कोई ना कोई, और सब चांद को रख देने आ रहे थे। तो पीपल में हमारे इसमें पीपल में छुप जाता है, काफ़ी देर बाद दिखता है, लेकिन आज मैं जब ऊपर आई तो अच्छे से दिख रहा था, ऊपर आ रखा था चांद। लेट आई थी मैं ऊपर, एकता का मैसेज भी आया था कि दीदी चांद आ गया, फिर हम ऊपर आए तो जब काफ़ी ऊपर आ गया था, नहीं तो पेड़ के पीछे छुप जाता, कई देर में दिखता है। तो बस यहाँ पे हमने पूजा कर ली थी चांद की, और अब बस फिर मैंने नीचे आने के बाद कोई वीडियो नहीं बनाया था। और नीचे आई फिर मैंने कढ़ाई चलाई, पूरी बनाई, लेकिन फिर एकदम से खाने का मन भी नहीं हुआ, सर दर्द हो रहा था, और फिर थोड़ा सा खाना खाया और सर दर्द की दवाई ली बस, फिर उसके बाद कपड़े वपड़े चेंज करे और फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। और आज जब मैं अभी वीडियो एडिट कर रही हूँ तो आज मैं कर रही थी किचन की सफाई, थक चुकी हूँ, 4 बज गए हैं और मैंने सोचा लाओ पहले वीडियो एडिट करके डाल देती हूँ, और अभी काम मेरा बाकी है तो अभी करना है काम, वो तो शकल ही बता देती है थकी थकी सी, तो थक चुके हैं और अभी मेरा काम बाकी है तो मैं काम कर लेती हूँ। और वीडियो कर दिया है मैंने एडिट, वीडियो डाल देती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना आप, और कमेंट करके बताना कैसा लगा। चैनल पर नहीं आते तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।